सबने इस साल बोला कि गंगोत्री में बर्फ ही नहीं पड़ी है और हम लोग उस दिन खाली हाथ वापस चले गए थे, बट वी आर बैक अगेन टुडे। आज 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 हमारे लिए फ्रेश बर्फ पड़ी है जो गंगोत्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी कम है, बट इट्स ब्यूटिफुल, यू गाइस शुड सी इट। सब्सक्राइब करके घंटी बजाओगे तभी तो अपडेट पाओगे, तो प्रेस करो घंटी। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर गंगोत्री रोड, चार धाम में से एक धाम, इस रूट की लास्ट मोटरेबल रोड गंगोत्री रोड, इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है। दादा गंगोत्री मंदिर कहाँ है? ये 500 मीटर यहाँ से सीधा सीधा, और गाड़ी? गाड़ी बस यहीं तक खत्म है, गाड़ी यहीं तक। और गौमुख? गौमुख यहाँ से 20 किलोमीटर चल के पैदल चल के। Even though it's off season, we still have people here. ये बर्फ जमी हुई है तो कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुआ है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, खराब होने को अभी खराब हो जाए और स्नोफॉल हो जाए यहाँ पे। यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने घर हैं, सबकी रोजी रोटी सीजन में चलती है जब ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग गंगोत्री का दर्शन करने आते हैं। जब यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं सर्दियों में, तब यहाँ के लोग भी गेस्ट हाउस, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट्स सब सील करके जाते हैं अपना। सारे चाहे छोटी सी दुकान हो चाहे बड़ा सा रिजॉर्ट, धर्मशाला, आश्रम, हर चीज सील करके जाते हैं यहाँ से। दादा इधर किधर? गंगोत्री मंदिर का रास्ता, गाड़ी रोकने के बाद जो पैदल का रास्ता है, इसीलिए सब बंद रहता है। और ये हम पहुंच गए हैं गंगोत्री मंदिर के द्वार पर। ये है गंगोत्री धाम का मंदिर, गंगा मैया का मंदिर। नमस्कार। जय गंगा मैया। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर शिमाल हूँ, मैं यहाँ 11 साल से यहाँ पे हूँ, 12 महीने रहता हूँ। पर इस साल बर्फ थोड़ा कम है, नहीं तो और अन्य साल में कम से कम ये जो खम्भे हैं नजर आ रहे हैं ये पूरे डूबे होते थे, इतनी बर्फ होती थी। और यहाँ का जो मतलब इस साल थोड़ा गर्मी ज्यादा है, और गंगा उत्तरी गंगोत्री, इसलिए यहाँ का नाम गंगोत्री पड़ा गया। गंगा जी जब तक किसी पितृ को मतलब उसके तर्पण में अगर गंगा जल नहीं पड़ेगा तो उसका कभी स्वर्ग को प्राप्ति नहीं होगी। यही स्थान गंगा जी का उपगम स्थान है, जहाँ पे कि राजा भगीरथ जी ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया था, यही स्थान उस पे है, इसलिए गंगा यहाँ का नाम गंगोत्री पड़ा। यहाँ से गंगा जी चलते चलते वैसे वैसे आगे उसका नाम भी बदलता गया, तो यहाँ से भागीरथी है, आगे से फिर जाह्नवी है, क्योंकि जंगम ऋषि आगे तपस्या कर रहा था तो उनकी कुटिया बह गई, उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने जल को पी लिया। फिर राजा भागीरथ जी ने उनकी स्तुति की, फिर जांग से निकाला तो उनके नाम पड़ा फिर जाह्नवी। तो गंगा यहाँ ये हरिद्वार तक जाते जाते गंगा माँ जी, गंगा जी उसका नाम। यहीं पे राजा भागीरथ जी ने तपस्या किया था 5500 वर्ष, ये तपस्थली है। गंगा उत्तरी गंगोत्री जो उगम स्थान उसका यही था, ये बाद में सारे पेड़ पौधे जो भी ये बाद में उपजे, पहले ये सारा ग्लेशियर हुआ करता था। अच्छा। मेरी 54-55 साल की उम्र है तो मैं ये कंदराएं जितने हैं इसमें पुराने ग्लेशियर हुआ करते थे नीला जैसा, तो अब खत्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा प्रत्येक दिन। जो गौमुख था हमने 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर देखा था, आज तो लगता है मेरे को कि 18 तो बोलते हैं लेकिन 20-22 किलोमीटर पीछे ही चले गया होगा गौमुख, क्योंकि बर्फ का पहाड़ टूटता जाता है। तो यहाँ पे एक गौरी कुंड सूर्य कुंड है, तो वहाँ पे अभी वो 13 के बाद में वो शिवलिंग जो था वो दब गया पूरा, पूरी गंगा जी सर्दी में उस जटा में चली जाती थी, वो चढ़ावा जल माना जाता था, लेकिन जो जल यहाँ से ले जाते थे वही रामेश्वर के लिए ज्योतिर्लिंग जितने भी हमारे भारतवर्ष में यहाँ का जल का प्रसाद वही बन करके जाता था। शंकर भगवान की ये जटाएं हिमालय है सारी, ये जटाएं तो सारी उनकी है, पर लेकिन जो वहाँ पे एक शिवलिंग तो वो तो हमने भी देखा, 13 के बाद में दब गया, काला सा लिंग था,
पूरी गंगा जी जो जब पानी बढ़ता था तब नहीं दिखाई देता था, जब सर्दी को पूरा दिखाई देता था तो पूरी गंगा जी जो शंकर भगवान को चढ़ जाती थी। जब पांडव इस हिमालय में आए तो यहाँ पे पांडव गुफा है जहाँ पे वो रात को रुके होंगे ना, तो क्योंकि उनमें भी श्राप लगा था कि पितृ जब उनके मतलब अपने पितरों का श्राप लगा था तो उनके लिए बोला गया था कि तुम चारों धाम में जैसा शंकर भगवान जी को मनाओ गंगा जी का जल से और विष्णु भगवान का यमुना जी की, क्यों यमुना जी भी इसकी यमराज की बहन है, तो इसलिए वो भी हिमालय में आए थे, तो उनकी भी एक खोज है हमारे हिंदू धर्म में। जय गंगा मैया। हाँ दादा, ये नीचे क्या रास्ता जाता है? चल के जाने से आपको आगे दिखाई देगा, सूर्य कुंड कहलाता है। बंद है क्या? बीच में है गंगा जी और वो उस पार है, लास्ट वो स्नोफॉल की बर्फ अभी तक जमी हुई है काफी सारी, इसलिए जो धाम है उसके भी कपाट दर्शन के लिए बंद होते हैं मंदिर के। दादा सीजन कब कब होता है? सीजन अभी मई में खुलेगा। मई में खुलता है और कब तक खुला रहता है? नवंबर सितंबर तक। ये रेलिंग पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे आपका एक कमी क्या है तुम्हारा? मेरा जी क्या रखते डर जाते हो? यही रूप लिए थे शिव जी ने जैसा जटा में संभालने के लिए गंगा मैया को, यही रूप लिए थे। हाँ थोड़ा उधर चल के वहां से देखा। जो अभी इतना खाली दिख रहा है, दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं है, सारे घर बंद हैं, वो सीजन के टाइम पे जब सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन के लिए तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। सूर्य कुंड कहलाता है, जैसा घाट है आगे गंगा मैया का घाट, वहाँ नहाते नहाते कोई लड़की गिरा था तो चल के आके सीधा सूर्य कुंड में समा गया, कोई हिम्मत ही नहीं है किसी का जो बचा ले। सबने इस साल बोला कि गंगोत्री में बर्फ ही नहीं पड़ी है और हम लोग उस दिन खाली हाथ वापस चले गए थे, बट वी आर बैक अगेन टुडे। आज हमारे लिए फ्रेश बर्फ पड़ी है जो गंगोत्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी कम है, बट इट्स ब्यूटिफुल, यू गाइस शुड सी इट। बर्फ की चादर में ढके हुए पहाड़,